और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली का दौरा करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कहर के मद्देनजर जिस तरह से प्रदेश को नुकसान हो रहा है, उसके मद्देनजर माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर चर्चा करेंगे। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन की जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, 7000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक प्रदेश झेल चुका है, 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और ऐसे में प्रदेश को आर्थिक सहायता की जरूरत है। और इसी आर्थिक सहायता की मांग के लिए माना जा रहा है कि दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है, प्रदेश को मदद की दरकार है, माना जाए कि इसी मदद की मांग को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री पिछली बार जब आए थे तो 8000 करोड़ का नुकसान बताया गया था, लेकिन इस बार उसके बाद जब शिमला में जो कुछ नुकसान देखा या कांगड़ा में या मंडी में दोबारा से जो लैंडस्लाइड हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जो नुकसान का आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ गया है। तो और केंद्र से जो मदद की है वो की जा सकती है, दरखास्त की जा सकती है। साथ ही क्योंकि अनुराग ठाकुर से हमने दो दिन पहले बात की थी तो उनका कहना था कि केंद्र ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है हिमाचल को वित्तीय सहायता देने के लिए। जो कुछ मांगा जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वो भेजी जा रही हैं, आर्मी एयरफोर्स की मदद वो दी जा रही है। तो वही सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जो मदद है, क्योंकि हिमाचल ऐसा राज्य है, जब यूटी से प्रदेश बना था तो तभी ये चीजें डिसाइड हुई थी कि केंद्र को काफी इसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आय के साधन इतने ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में अब क्योंकि विपदा आई है तो इस केंद्र को पूरी मदद करनी चाहिए। पिछली बार अमित शाह से मुलाकात हुई थी, निर्मला सीतारमण से हुई थी, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, तमाम नेताओं से मुलाकात हुई थी, और सबने और उसका एक चीज फायदा होता हुआ भी दिख गया कि सड़क निर्माण के लिए जो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने मुलाकात की थी केंद्रीय राज्य सड़क मंत्री से, उन्होंने वो पैसा मंजूर कर दिया है। नितिन गडकरी खुद पूरा एक ब्यौरा ले चुके हैं, और हो सकता है कि केंद्रीय रेलवे मंत्री के साथ भी इस बार मुलाकात हो, क्योंकि शिमला कालका रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। चाहे हम सोलन के आगे उसके लैंडस्लाइड हो या शिमला के बालूगंज समर हिल में, वहां पर ट्रैक का ही पूरा उसके नीचे से जमीन निकल जाना, जो तस्वीरें सब जगह चल रही हैं, तो ऐसे में रेलवे का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है उसको लेकर के भी चर्चा संभव है। साथ ही अभी तक क्योंकि ये सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि सड़कें टूटी हैं, सब चीजें हुई हैं, लेकिन एक साल में हम इसे रिस्टोर कर लेंगे, तो वो फंड कहाँ से आएगा वो चीज इसमें जरूर देखने वाली होगी। केंद्र कितनी मदद करेगा या कोई स्पेशल पैकेज दिया जाएगा? इससे पहले जो पैकेजेस दिए गए थे वो तमाम राज्यों, जिसमें पंजाब भी था, अन्य राज्य भी थे, उनको जो उस हिसाब से जाता है वो गया था। वहीं जो डैम्स हैं उसके आसपास जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहां पंजाब की तरफ जा रहा है, वहां भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं, और आगे क्योंकि ये भी कहा गया है नितिन गडकरी की तरफ से, केंद्र के अन्य नेताओं की तरफ से, कि अब जो सड़क निर्माण होगा वो साइंटिफिक तरीके से किया जाए, ताकि वहां पर आगे से कभी इतनी बाढ़ का पानी आता है तो ऐसी सिचुएशन ना आए, नालियां बने, रोड उस हिसाब से पक्के हैं, पुल उस हिसाब से पक्के, या एक एक प्रॉपर तरीके से आगे अब कंस्ट्रक्शन की जाए। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, इस चीजों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो आज शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद देखना होगा किन से मुलाकात है। अभी ऑफिशियली कोई मुलाकात फिक्स नहीं हुई है, देखना होगा भी किस किन से वक्त मांगा गया है। जी बहुत शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।